हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी और इजी व्रत स्पेशल साबूदाना कलाकंद की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, इसे बनाना बहुत आसान है और बहुत ही इजी तरीके से बन जाता है। इसमें ना तो मैंने मावा का यूज़ किया है, ना ही चाशनी का यूज़ किया है। बिना मावा बिना चाशनी का ये मिठाई बनके तैयार होता है। फ्रेंड्स, आपको रेसिपी पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए देर नहीं करते, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, साबूदाना कलाकंद बनाने के लिए हमने यहाँ पर छोटा वाला साबूदाना लिया है और उसको हमने किचन टॉवल से अच्छे से रब करके इसको साफ़ कर लिया है, क्योंकि इसे फ्रेंड्स हम व्रत के लिए बना रहे हैं तो ये प्रोसेस करना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हमने गैस पर रख दिया एक पैन और इसमें हम ऐड कर देंगे साबूदाना। साबूदाना को पहले फ्रेंड्स ड्राई रोस्ट करेंगे। साबूदाना में मॉइस्चर होता है फ्रेंड्स, और इसको रोस्ट करना जरूरी है, तभी हमारा जो साबूदाना है अच्छे से ग्राइंड होगा। तो यहाँ पर हमने गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखा है। लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे हम ग्राइंड करेंगे। तो इस तरह से हम लगातार चलाते रहेंगे। इसका हमें कलर चेंज नहीं करना है फ्रेंड्स, सिर्फ क्रंची होने तक इसे हमें रोस्ट करना है। तो फ्रेंड्स, आप इसे चेक करने के लिए किसी भी चीज़ से तोड़ करके इसे चेक कर सकते हैं, क्रंची साउंड आएगा और ये ईजिली टूट जाता है। तो उससे पता चल जाएगा आपको कि अपने साबूदाने को अच्छे से रोस्ट कर लिया है। तो यहाँ पे हमने इसे लगातार चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक अच्छे से रोस्ट कर लिया है और साबूदाना यहाँ पे अच्छे से रोस्ट हो गया है। बस इस स्टेज पर हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सारे साबूदाना को प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है और अब हम साबूदाना को रखेंगे साइड में ठंडा होने के लिए। तो जब तक फ्रेंड्स साबूदाना ठंडा होता है, हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे हमने गैस पे रख दिया है कढ़ाई। आप कोई भी यहाँ पे बर्तन फ्रेंड्स ले तो हैवी बॉटम का लें। और इसमें हमने 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क ऐड कर दिया है और अब इसे हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर बॉयल करेंगे। इस तरह से हम इसे लगातार चलाते रहेंगे ताकि जो दूध है फ्रेंड्स वो बॉटम में लगे ना। तो हम इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही बॉईल करेंगे और इसे हमें इतना बॉईल करना है फ्रेंड्स कि 50% रिड्यूस हो जाए। तो यहाँ पे हमारा जो दूध है आप देख सकते हैं अच्छे से बॉईल हो रहा है और इस तरह से हम इसे बीच बीच में स्टर करते रहेंगे ताकि बॉटम में जो दूध है वो लगे ना, और इसके किनारे को भी हम स्क्रैच करते रहेंगे। इसको हम इस तरह से स्क्रैच करते हुए चलाते रहेंगे और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो दूध है ना वो 50% रिड्यूस हो चुका है और इसके हमने किनारे को अच्छे से स्क्रैच करते हुए दूध के साथ ही मिक्स करते गए हैं और बिल्कुल बढ़िया से हमारा यहाँ पे जो रबड़ी है ना वो तैयार हो गया है। तो इसी स्टेज पर फ्रेंड्स हम ऐड कर देंगे इसमें 1/2 कप शुगर। तो अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स जैसे जैसे शुगर मेल्ट हो रहा है ना, जो रबड़ी है वो थोड़ा सा और पतला हो गया है। तो यहाँ पे हम गैस के फ्लेम को लो कर देंगे, लो फ्लेम पर इसे हम थोड़ा सा और बॉईल कर लेंगे। जब तक फ्रेंड्स हमारी रबड़ी बॉईल होती है तब तक यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा साबूदाना जो है ये भी ठंडा हो गया फ्रेंड्स, तो इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ले रहे हैं एक मिक्सर जार और इसमें हम सारा साबूदाना जो है वो ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने सारे साबूदाने को मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर लिया है और अब इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो बिल्कुल इसका हमें फाइन पाउडर रेडी करना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमने साबूदाने को ग्राइंड कर लिया है और एकदम फाइन पाउडर इसका रेडी है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम इसको छान लेंगे ताकि जो भी इसमें इसके चंक्स होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम एक बाउल ले रहे हैं और इसके ऊपर हम एक छन्नी लगा लेंगे और अब इसमें फ्रेंड्स हम थोड़ा थोड़ा करके साबूदाने का आटा जो है वो ऐड करेंगे और इसे छान लेंगे। बाकी का जो बचा है उसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे हम अच्छे से छान लेंगे। तो यहाँ पे हमने सारे आटे को छान लिया फ्रेंड्स और देख सकते हैं जो चंक्स बचा है उसको हम साइड में रख देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल फाइन हमारा आटा रेडी है। जिस तरह से फ्रेंड्स चावल का आटा है सेम वही टेक्सचर का यहाँ पे हमारा साबूदाने का आटा जो है वो रेडी हुआ है। इस आटे को आप स्टोर करके रख सकते हैं और पूरी नवरात्रि से आप पूरी या पराठे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो रबड़ी है वो भी तैयार हो गया है। इस स्टेज पर हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे हम रखेंगे साइड में। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं फाइनल स्टेप की तरफ। यहाँ पे हमने गैस पर रख दिया है पैन और इसमें हम ऐड कर दिए हैं 1 टेबल स्पून घी। घी को हम अच्छे से मेल्ट कर लेंगे और अब इसमें फ्रेंड्स हमारा घी जो है वो मेल्ट हो गया है, तो हम साबूदाने का जो आटा है वो ऐड कर देंगे और इसको हम फ्रेंड्स लो टू मीडियम फ्लेम पर ही रोस्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें आटे का कलर चेंज नहीं करना है, इसे हमें 3 से 4 मिनट तक अच्छे से रोस्ट करना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए और इसमें से अच्छी खुशबू आने लगेगी। बस उतना ही हमें रोस्ट करना है। तो हम यहाँ पे इसे लगातार चलाते रहेंगे, लगातार चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक अच्छे से रोस्ट करेंगे। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारा जो साबूदाने का आटा है वो अच्छे से रोस्ट हो गया है। बस इस स्टेज पर हम इसमें जो रबड़ी बना के तैयार किए थे उसको ऐड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे हमने सारी रबड़ी जो है पैन में ट्रांसफ़र कर दिया है और अब इसे हम स्पैचुला से अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम को फ्रेंड्स इस स्टेज पर हम बिल्कुल लो कर लेंगे। लो फ्लेम पर ही हम अच्छे से इसे मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई लम्स या कांटे ना बने।
और इस तरह से फ्रेंड्स हम इसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे। तो आप देख सकते हैं सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं और जो हमारा बर्फ़ी का मिक्स है फ्रेंड्स वो अच्छे से इकट्ठा भी होने लगा है और पैन को छोड़ने लगा है। इसी चीज़ पर फ्रेंड्स हम इसमें ऐड करेंगे इलायची पाउडर, इससे कलाकंद में बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पे हम 1 टीस्पून ऐड कर रहे हैं इलायची पाउडर और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसी स्टेज पे फ्रेंड्स इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून घी, इससे हमारा जो कलाकंद है फ्रेंड्स काफ़ी टाइम तक सॉफ्ट बना रहेगा। तो यहाँ पे हमने 1 टेबलस्पून और ऐड कर दिया है और अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स लास्ट में हमने जो घी ऐड किया है ना, इससे कलाकंद का टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा और ये काफ़ी टाइम तक सॉफ्ट बना रहेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो कलाकंद का मिक्स है बिल्कुल परफेक्ट रेडी है, आप देख सकते हैं डो फॉर्म में आ रहा है। तो इस स्टेज पर गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और अब इसे फ्रेंड्स हम ट्रांसफ़र करेंगे बर्फी टिन में। यहाँ पे हमने एक बर्फी टिन ले लिया है, इसको हमने घी से ग्रीस कर लिया है। आप यहाँ ऑयल से या घी से किसी भी चीज़ से ग्रीस कर सकते हैं, इससे हमारी जो बर्फी है फ्रेंड्स वो ईजिली रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर हमने कलाकंद का जो मिक्स है उसको बर्फी टिन में ट्रांसफ़र कर दिया है और स्पैचुला से अच्छे से हम स्प्रेड कर लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे हम पूरे बर्फी टिन में इसे नहीं फैला रहे हैं, इस तरह से हम इसे सिर्फ इतना ही फैलाएंगे और इसके जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हम अच्छे से चिकना कर लेंगे। इससे जो हमारे कलाकंद का लुक है फ्रेंड्स बिल्कुल मार्केट स्टाइल आएगा। तो यहाँ पे हमारा कलाकंद जो है अच्छे से शेप में रेडी हो गया है और इसका जो लुक है थोड़ा सा हम टेम्पटिंग करने के लिए इसके ऊपर हम थोड़ा सा पिस्ता लगा देते हैं। तो हमने बारीक चॉप किया हुआ पिस्ता इसके ऊपर ऐड कर देंगे और इसको स्पैचुला से हम अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि ये कलाकंद में अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा कलाकंद जो है बिल्कुल रेडी है, इसको हम रख देंगे ठंडा होने के लिए और ठंडा होने के बाद इसे हम पीसेस में कट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो कलाकंद है वो ठंडा हो चुका है, इसको हम पीसेस में कट कर लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इसके हम किनारों को अच्छे से स्क्रैच कर लेंगे नाइफ की हेल्प से, इससे हमारे जो किनारे हैं बिल्कुल क्लीन निकल के आएंगे। इसके जो किनारे वाला पार्ट है फ्रेंड्स उसको हम इस तरह से काट करके निकाल देंगे ताकि हमारा जो कलाकंद का शेप है वो बढ़िया से क्लीन निकल के आए और इस तरह से हम स्क्वायर शेप में सारे पीसेस को कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप किसी भी शेप में इसे काट सकते हैं, हम जो मार्केट का कलाकंद होता है फ्रेंड्स उसी शेप में इसे काट रहे हैं। जो इसके किनारे वाला पार्ट है उसको हम निकाल देते हैं, आपको हम एक पीस निकाल कर दिखाते हैं। फ्रेंड्स बहुत ईजीली जो इसके पीसेस हैं वो निकल जाते हैं और आप देख सकते हैं इसका लुक बहुत ही ज़्यादा फ्रेंड्स सॉफ्ट और मुलायम ये कलाकंद बन के तैयार हुए हैं। तो यहाँ पे हम नाइफ की हेल्प से इसके किनारे अंदर तक स्क्रैच कर लेंगे ताकि ये ईजिली निकल के बाहर आ जाए। देख सकते हैं फ्रेंड्स सारे कलाकंद के जो शेप है बहुत ही क्लीन निकल के आ रहे हैं और फ्रेंड्स जितना ही देखने में टेम्पटिंग लग रहा है ना, खाने में भी उतना ही ये टेस्टी है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे, आप इस नवरात्रि से बना लेंगे फ्रेंड्स, पूरी नवरात्रि से इंजॉय करेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आने वाली है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे फ्रेंड्स तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसी एक न्यू रेसिपी के साथ, एक आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।